लेकिन 2 साल में अपनी मौत के लिए खुद बनाया था सेट, पत्नी ने लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। मशहूर कला निर्देशक नितिन देसाई की आत्महत्या के मामले में खालापुर पुलिस ने 2 फाइनेंस कंपनियों के उच्च अधिकारियों सहित 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। नितिन देसाई की पत्नी नेहा ने खालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों के बार बार पैसे मांगने के कारण नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने शिकायत में कहा है कि फाइनेंस कंपनी की मानसिक पीड़ा के कारण देसाई ने आत्महत्या की है। इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। एनडी फिल्म स्टूडियो के मालिक नितिन चंद्रकांत देसाई ने 2 अगस्त को आत्महत्या कर ली। खालापुर पुलिस स्टेशन में इस मामले में एडीआर दर्ज की गई थी। नितिन देसाई की पत्नी नेहा नितिन देसाई ने शिकायत में कहा कि ईसीएल फाइनेंस कंपनी और एडेलवाइस ग्रुप के अधिकारियों ने लोन मामले में बार बार बहस कर मानसिक कष्ट पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मानसिक पीड़ा के कारण ही देसाई ने आत्महत्या की है। शिकायत के आधार पर खालापुर पुलिस स्टेशन में ईसीएल फाइनेंस कंपनी और एडेलवाइस ग्रुप के अधिकारियों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज कराया है। इस मामले में उप विभागीय पुलिस अधिकारी विक्रम कदम जांच कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो नितिन देसाई ने अपनी मौत का सेट भी डिजाइन किया था। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले खुद एक बड़ा सा धनुष बाण बनाकर तैयार किया था। उसके तैयार होने के बाद नितिन ने उसी धनुष बाण के बीचों बीच फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले बनाए थे 11 ऑडियो। कई हिट फिल्मों के सेट बनाने वाले 8 डायरेक्टर नितिन देसाई ने 2 अगस्त को करजत स्थित अपने एनडी स्टूडियो में पंखे से झूलकर फांसी लगा ली थी। जैसे यह खबर सामने आई, इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। अब खबर आ रही है कि नितिन देसाई ने सुसाइड से पहले 11 ऑडियो रिकॉर्ड किए थे, जो अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पुलिस ने वह सभी रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दी है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। साहा के पीछे खड़े व्यक्ति की हो जाँच, सेलार। बीजेपी विधायक आशीष सेलार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में मांग की कि कला निर्देशक नितिन देसाई की मौत की पुलिस जांच में एडेलवाइस ग्रुप के राजेश शाह के पीछे खड़े एक व्यक्ति की भी पड़ताल की जानी चाहिए। यह ग्रुप देसाई के एनडी स्टूडियो के कर्जदाताओं में एक था। सेलार ने कहा कि सरकार को अवश्य यह पता लगाना चाहिए कि क्या कोई अन्य व्यक्ति साथ से या ऋणग्रस्त स्टूडियो खरीदने का प्रयास कर रहा था और क्या देसाई पर उस ग्राहक की ओर से दबाव बनाया गया था। बीजेपी विधायक ने शाह और उनकी कंपनी पर आधुनिक ऋण कारोबार खड़ा करने का आरोप लगाया।